हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे जनरल नॉलेज का लास्ट टॉपिक लंच टाइम की एक्सरसाइज सॉल्व ओके चिल्ड्रन सो आई होप आपको जनरल नॉलेज में सारे चैप्टर्स बहुत क्लियरली समझ में आए होंगे आपने बहुत इंजॉय भी किया होगा एंड यस कीप प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइजेज सो दैट आपके दिमाग से कोई चीजें आउट ना हो हमेशा माइंड में बनी रहे ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड जैसे कि हमारे पास मोस्टली क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं फिल इन द ब्लैंक से तो इस चैप्टर में भी हम शुरुआत करेंगे फिल इन द ब्लैंक से ओके सो लेट्स डू दिस टुगेदर ब्रेकफास्ट इज टेकन इन द कब लिया जाता है ब्रेकफास्ट अब अगर मैं आपको ये हेल्प बॉक्स ना भी दूं तो भी आप बता देंगे कि ब्रेकफास्ट कब किया जाता है यस ब्रेकफास्ट इज डन और इज टेकन इन द मॉर्निंग वेन डू वी टेक द ब्रेकफेस्ट चिल्ड्रेन मॉर्निंग में सुबह के समय चिल्ड्रेन हमें ब्रेकफेस्ट ले लेना चाहिए स्पेशली सेवन टू टेन के बीच में ये टाइम सबसे अच्छा होता है जब आपको ब्रेकफेस्ट लेना चाहिए क्योंकि बॉडी इतने टाइम सोकर जब उठती है तो उसके अंदर के बॉडी पार्ट्स को फंक्शन करने के लिए कुछ एनर्जी कुछ फ्यूल चाहिए ना तो ब्रेकफेस्ट खाओ और बॉडी बनाओ और पूरे दिन के लिए हो जाओ तैयार ओके So breakfast is taken in the morning. Now, next question. Lunch is taken in the. अब breakfast पूछा है तो chapter का नाम lunch time है तो lunch कब लिया जाता है? बोलो. Breakfast जब हम सुबह लेते हैं तो lunch हम लेते हैं Afternoon में माने के दिन में चिल्ड्रन सो वी टेक लंच इन आफ्टरनून तीन बजे के बाद लंच कोई नहीं लेगा क्योंकि उसके बाद बॉडी लंच को लंच जैसे नहीं लेती वो कुछ और समझ जाती है शी गेट्स कंफ्यूज बेस्ट टाइम है बारह से दो के बीच का चिल्ड्रन हैव योर लंच एंड कीप योर बॉडी हेल्दी ओके सो लंच टेकन इन द आफ्टरनून क्या देखा था हमने चैप्टर में कि कैसे जापान में जो मॉम होती हैं वो खाने को कितना एक्साइटिंग बना देती हैं चावल को नए नए शेप्स देती हैं है ना कितने अलग अलग शेप्स ऑक्टोपस बना रही हैं हेलो किटी बना रही हैं इज इट सो दिस इज हाउ दे मेक देयर लंच सो अमेजिंग सो इंटरेस्टिंग कि उनके यहाँ के जो बच्चे होते वो मना कर ही नहीं पाते हमारी मदर्स भी हमारे लिए कितने एफर्ट्स डालती हैं कोशिश करती हैं टेस्टी खाना हो कहीं कहीं हमारे लिए शेप्स भी बनाती हैं सो चिल्ड्रेन ध्यान रहे कभी भी कोई लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर को स्किप नहीं करना है बिकॉज यू ऑल आर ग्रोइंग और आपकी बॉडी में वो सारी चीज़ें जानी चाहिए ताकि आपको मिले एनर्जी और आप रहो हमेशा फिट और हेल्दी ओके वी शुड ईट डैश फूड हमें कैसा खाना खाना चाहिए बासा पुराना या फिर ऐसी बिल्कुल गंदा वाला खाना जो बिल्कुल सड़ चुका है यू शुड ईट दैट टाइप ऑफ फूड और यू शुड ईट फ्रेश फूड ओके सो वी शुड ईट चिल्ड्रन फ्रेश फूड आप हेल्प बॉक्स से भी हेल्प ले सकते हैं वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेश माने के हर चीज़ ताज़ा होना चाहिए चिल्ड्रन बासा नहीं क्योंकि बासे खाने में यूजली क्या होता है कि चीज़ें खराब हो जाती हैं और वो आपके पेट में जाती हैं और तकलीफ पहुंचाती हैं ओके सो वी शुड ईट फ्रेश फूड ऑल राइट बिफोर ईटिंग वी शुड डैश आर हैंड्स तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे समझा चुकी हूँ कि आप कहीं से आओ या खाने बैठो हमेशा आपको करने हैं अपने हाथों की सफाई सो बिफोर ईटिंग वी शुड वॉश आर हैं वी शुड इमीडिएटली वॉश आर हैंड्स चिल्ड्रेन ऑल राइट नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चिल्ड्रन मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ डैश बच्चों को चिल्ड्रन अच्छी खासी मात्रा में क्या पीना चाहिए ऑप्शन है आपके पास में यू कैन चूज द राइट ऑप्शन क्या हमको पीना चाहिए क्या बच्चों को पीना चाहिए जिससे बॉडी रहे बच्चों की हेल्दी और इम्यूनिटी रहे टू फाइट जर्म्स उनकी बॉडी रहे स्ट्रॉन्ग सो चिल्ड्रेन चिल्ड्रन मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क या पीना चाहिए उनको भरपूर दूध पियो और सेहत बनाओ सो चिल्ड्रन मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क ओके नाउ व्हाट कैन दे हैव फॉर लंच सो चिल्ड्रन आपके पास आपका फ्रेंड है जैक लेकिन जैक ने कुछ बातें यहाँ पे कही हैं कि उसको लंच में कुछ चीजें पसंद नहीं है जो उसमें यहाँ पर दी हुई हैं तो आपको चिल्ड्रन वो निकालना है बाहर और बताना है कि जैक फिर क्या खा सकता है उनकी जगह पे ओके सो जैक आई डोंट लाइक सैलेड मतलब ही डजन लाइक सैलेड आई डोंट लाइक फिश ही लाइक फिश एंड ही डजन लाइक सूप और जैक को सूप भी नहीं पसंद तो वो लंच में क्या खाएगा सो जैक कैन ईट पिज्जा जैक कैन ईट हॉट डॉग जैक कैन ईट बेकन एंड जैक जैक कैन ईट एग्स के पास में बहुत सारे हैं कोई बात नहीं उसको सैलड फिश और सूप नहीं खाना लेकिन खा लेता तो अच्छा होता क्योंकि ये सारी चीजें हेल्दी हैं और जो वो खाना चाह रहे हैं वो अनहेल्दी है सो जैक यू शुड ईट दिस फूड रादर है उसको तो पसंद ही नहीं है ओके सो जैक कैन ईट पिज्जा एग्स बेकन हॉट डॉग

चैप्टर लंच टाइम फाइनली आपका सिलेबस हो जाता है यहाँ पे फिनिश आई होप आपने जनरल नॉलेज बहुत इंजॉय किया होगा मेरे साथ और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया होगा अब एक इन्फॉर्मेशन के अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोज देखने होते हैं जाना है गूगल क्रोम पे लिखना है डब्ल्यू उसके बाद ये साइट खुलेगी जिसपे लिखा रहेगा इंडिया नंबर वन हंड्रेड फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म नीचे दिए रहेंगी क्लासेस अब आप सपोज क्लास टू में क्लिक क्लास टू आपके सारे टीचर्स विद सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे